सकते hindi.com। गोदी मीडिया और कॉरपोरेट पत्रकारिता के इस युग में निष्पक्ष, बेबाक और निडर पत्रकारिता का समर्थन करने के लिए आप सत्य हिंदी के ग्राहक सदस्यता अभियान से जुड़े, और इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक करें। नीतीश कुमार बिहार में अपनी राजनीति की गाड़ी चलाए जा रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई और वो गाड़ी पर नहीं बल्कि तिपहिए पर हैं। यानी पहले जो कहा जाता था क्यों करे पुनर्विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार या अब की बार नीतीश कुमार, तो अब यह हो गया है कि तिपहिए पर सवार नीतीश कुमार। क्या मतलब, मैं आपको बताता हूं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, हालांकि उनके जनता दल यूनाइटेड की सीट सिर्फ 43 है, जबकि बीजेपी के पास 74 सीटें हैं। कम सीटों के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन उसके लिए उन्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ी है। और वो ये है कि उनके दो उप मुख्यमंत्री होंगे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, ये दोनों बीजेपी के हैं। तारकिशोर प्रसाद कटिहार से विधायक हैं और रेणु देवी बेतिया से हैं। लेकिन जो जिस तिपहिए पर नीतीश कुमार सवार हैं उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है या विडंबना ये है कि ये दोनों ही आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। तारकिशोर प्रसाद आरएसएस से शुरू से रहे हैं, लंबे समय से रहे हैं, आरएसएस में उन्होंने काम किया है और वो आरएसएस के नॉमिनी के रूप में सरकार में शामिल हुए हैं। रेणु देवी तो और आगे हैं, रेणु देवी की माँ आरएसएस में थी, रेणु देवी खुद बचपन से आरएसएस में थी, और आरएसएस ही नहीं बल्कि आरएसएस की जो एक महिलाओं का संगठन है दुर्गा वाहिनी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और दुर्गा वाहिनी की कई बार कई मुद्दों पर काफी तीखी आलोचना हुई है, उस दुर्गा वाहिनी की सदस्य रही है। वो जिला अध्यक्ष रही है महिला युवा मोर्चा की, और वो बीजेपी महिला की राज्य अध्यक्ष रही है, और इसके पहले भी वो मंत्री रह चुकी है। लेकिन मामला यह है कि नीतीश कुमार के पर इस कदर कतरे गए हैं कि उनके साथ जो दो उप मुख्यमंत्री होंगे वो आरएसएस के होंगे, आरएसएस के नॉमिनी होंगे, जाहिर है वो आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि नीतीश कुमार खुद जो बिहार में अब तक जो एक बिहारी राजनीति थी, शोषितों की, वंचितों की, समाजवादी धारा की, जयप्रकाश आंदोलन से निकले हुए छात्रों की राजनीति, जिसमें लालू प्रसाद यादव थे, जिसमें किसी जमाने में कर्पूरी ठाकुर थे, जिसमें हाल फिलहाल तक रामविलास पासवान थे, नीतीश कुमार हैं, तो ये जो शोषितों की, वंचितों की, हाशिए पर खड़े लोगों की जो बिहार में राजनीति थी, जो उनका प्रतिनिधित्व था, जो उनका प्रेजेंटेशन था, जिसे आप कह सकते हैं कि समाजवादी न सही लेकिन समाजवादी रुझान की राजनीति थी, और नीतीश कुमार वही राजनीति करते थे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के जो डेप्यूटी थे सुशील मोदी, हालांकि वो बीजेपी में थे, लेकिन सुशील मोदी भी उस जेपी आंदोलन से निकले हुए ही हैं, और वो भी नीतीश कुमार के साथ थे, काफी नजदीक थे, और उनके बारे में भी मोटे तौर पर धारणा यही है कि वो बीजेपी के दूसरे नेताओं से हटकर हैं और ये शोषितों वंचितों की राजनीति में उनकी भी आस्था है। लेकिन अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब नीतीश कुमार अपनी पार्टी का अपना एजेंडा लागू कितना करा पाएंगे ये देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें संदेह है। अब उनकी नकेल कसेगी आरएसएस, और आरएसएस अपने एजेंडा को, अपने कार्यक्रम को, अपने चीजों को लागू करवाएगी, और ये उसके दोनों उप मुख्यमंत्री लागू करेंगे, और वो नीतीश कुमार के नाम पर होगा। यानी नीतीश कुमार सत्ता में रहते हुए भले ही बेमन से वही करेंगे जो आरएसएस कहेगा, और इस तरह आरएसएस का एजेंडा आगे बढ़ता चला जाएगा। नीतीश कुमार और धीरे धीरे और कमजोर होते चले जाएंगे और बिहार में वंचितों शोषितों की राजनीति की धारा और कमजोर होगी और सूखती चली जाएगी, जो फिलहाल बिल्कुल हाशिए पर है। निश्चित तौर पर यह बिहार के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, यह नीतीश कुमार के लिए तो और बुरी खबर है कि नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति, जेपी आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति, 15 साल मुख्यमंत्री
रहने वाला व्यक्ति आज आरएसएस के बैसाखियों के बल पर शासन चलाए। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।